अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने अलराजीव बैंक के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं एग्जांपल के लिए, या फिर आपका पैसा कट गया हो, या फिर पैसा ट्रांसफ़र किए हैं तो आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, या फिर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर आपका कार्ड है वो खो गया है आपका और आप ब्रांच में नहीं जा सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन अपने कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। उनसे बात करने के लिए सोशल मीडिया के अगर आपके पास है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास ट्विटर है तो ट्विटर से उनसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो या फिर आपके पास फेसबुक हो, इन सबसे भी उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे मैसेज में बात कर सकते हैं। अगर आपको उनका मोबाइल नंबर चाहिए तो उनका मोबाइल नंबर किस तरह से निकालना है, उनका टोल फ्री नंबर, यानी आपके पास अगर बैलेंस नहीं है आपके सिम कार्ड में तो बिना बैलेंस के ही आप बिल्कुल फ्री में उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आपको पैसे वाला चाहिए, या फिर आपको बहुत सारा उसमें नंबर है, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किस तरह से नंबर निकालना है और किस तरह से सोशल मीडिया से उन्हें सर्च करना, उन्हें ढूंढना है, आज की वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप सोशल मीडिया से किस तरह से आप अलराजीव बैंक के जो जिस कस्टमर केयर उनसे कैसे बात कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपके पास फेसबुक है तो यहाँ पे आपको फेसबुक ओपन कर लेना है अपना, और यहाँ पे आपको सर्च करना है अलराजीव बैंक। आप देख सकते इस तरह से आ चुका है, आपको यहाँ पे मैसेज वाले पे क्लिक करके आप उनसे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो भी उनसे पूछना चाहते हैं यहाँ से मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है इनसे बात करने का। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको ट्विटर से दिखाता हूँ, अगर आपके पास फेसबुक नहीं होगा ट्विटर होगा तो आप ट्विटर से किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्विटर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है सबके पास ये हर चीज़ ना हो, किसी के पास ट्विटर है तो किसी के पास फेसबुक नहीं है, किसी के पास फेसबुक है तो ट्विटर नहीं है, तो इस तरह से मैं सबको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे लिखना है अलराजी बैंक। आप देख सकते हैं मैं पहले से सर्च किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अलराजी बैंक एप्लीकेशन आ गया। यहाँ पे आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिख रहा है, मोबाइल नंबर पे आप उनको बात कर सकते हैं, उनसे बता सकते हैं कि अपनी क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जिसके पास ट्विटर है तो इस तरह से उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मैं तरीका देता हूँ दिखाऊँ, जिसके पास इंस्टाग्राम होगा इंस्टाग्राम से कैसे इन्हें सर्च करना है, सेम तरीका वो भी है। यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करना है, अब यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे आप क्लिक करके आपको यहाँ पर लिखना है अलराजी। ये देख आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है अलराजी बैंक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करके यहाँ पे सामने ये मैसेज वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको चाहे उनको वॉइस भेज सकते हैं, चाहे अपनी कंप्लेंट का फोटो भेज सकते हैं, या फिर आप मैसेज भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे सब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो ये तीन तरीके से आप उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ उनका मोबाइल नंबर कैसे निकालना है, जैसे कि यहाँ से आपको सीधा इसको होल्ड कर देते हैं सब। सबसे पहले आपको यहाँ पे अलराजीव बैंक का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। अलराजीव बैंक के एप्लीकेशन में आपको बहुत सारा नंबर मिल जाएगा, जिससे आप उसे डायरेक्ट टोल फ्री आप बात कर सकते हैं, मतलब आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। कोई भी आपके मोबाइल में अगर बैलेंस नहीं है सिम कार्ड में, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, फिर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना अलराजीव बैंक एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। इस तरह से ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना लॉगिन क्लिक करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखा वेरीफिकेशन कोड, इंटर 4-डिजिट कोड। अब यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आने वाला है, एक पासवर्ड आने वाला है, ये आ चुका है, इस पर यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इस तरह से लॉगिन हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ ब्राउजर, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे जाना है लास्ट में एकदम। अब यहाँ पे लिखा हुआ हेल्प, इस पर क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ दिख जाएगा ई केयर, आपको इस पर क्लिक करके इससे भी आप इस तरह से इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जैसे पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है, कितनी तारीख को आपको प्रॉब्लम हुआ, चलिए मैं आज का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट, आपको कितना अमाउंट प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए 1000 डाल देता हूँ यहाँ पे। अब सब्जेक्ट में लिख देना है, जैसे आपका पैसा फंस गया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑन होल्ड हो गया है तो यहाँ पे लिख देना है ऑन होल्ड। अब नीचे लिखा हुआ मैसेज, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल भरना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि हिंदी भी लिखेंगे तो उनको नहीं पता चलेगा, या अरबी भी लिखेंगे या फिर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे, तो इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ गूगल से आकर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से लिख देना कि मेरा पैसा, मैं इतनी तारीख को ट्रांसफर किया हूँ, मेरा पैसा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, ऑन होल्ड हो गया, जो भी है आप यहाँ पे उसको मैसेज कर सकते हैं। तो आपका जो कंप्लेंट यहाँ पे सेंड हो जाएगा, यहाँ पे आप जो मैसेज लिखेंगे कुछ भी एग्जाम्पल, तो यहाँ पे सेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको सेंड कर सकते हैं। चलिए मैं और तरीका दिखाता हूँ। अब उसी के नीचे लिखा हुआ है डिजिटल असिस्टेंट, इस पर क्लिक करना है। ये अभी कुछ एरर दिखा रहा है, प्लीज़ ट्राई कर लेटर, तो ये बाद में ट्राई करेंगे, अभी फिलहाल एक बार और देख लेते हैं।
अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर से आप उससे चैटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता, तुरंत जैसे आप मैसेज करेंगे तुरंत आपका मैसेज का तुरंत जवाब दे देता है फटाफट से, वो उससे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अब आ गए नंबर की बारी, जैसे आप नंबर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल अस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारा नंबर दिख जाएगा, सबसे फर्स्ट में लिखा हो फ्रॉड ट्रांजेक्शन और लास्ट कॉड, यानी कि अगर आपका जो पैसा है वो फ्रॉड में, जैसे एग्जांपल जैसे कोई हैक कर लिया है आपका पैसा पूरा कट गया है, तो इस नंबर पे कॉल करके उससे बात कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट, या फिर आपका जो कार्ड है वो खो गया है फिर भी आप इसी नंबर पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वो आपका कुछ ना कुछ हल बताएंगे। अब नीचे लिखा हुआ है द टोल फ्री नंबर फॉर इंक्वायरी एंड कंप्लेंट, यहाँ पे लिखा हुआ टोल फ्री नंबर, यानी आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका कोई पैसा नहीं कटने वाला है, जबकि ये नंबर दोनों सेम है, इस नंबर पे आप दोनों में से किसी भी एक पे कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में बात होने वाली है, आपका चाहे पैसा कट गया हो या फिर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, कार्ड खो गया हो या कार्ड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जिस्टिंग कस्टमर, इस पे भी कॉल कर सकते हैं, न्यू कस्टमर, यहाँ पे आप जैसे जितना भी नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है इन सब नंबरों पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो शॉप करके, ताकि आपको काम आए, या फिर अगर आपके पास अलराजी बैंक एप्लीकेशन होगा तो उसमें से आपको ये नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अलराजी बैंक के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका हल निकाल सकते हैं।